तिलक वर्मा, तिलक वर्मा, तिलक वर्मा, ये नाम कुछ ज्यादा ही इंटरनेट पे वायरल हो रहा है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस नाम ने बड़े बड़े कारनामे कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बना दिए हैं, और यहां पे तो सूर्य कुमार यादव की बराबरी भी कर ली है। तो आखिर कौन सा वो रिकॉर्ड है जिसमें सूर्य कुमार यादव की बराबरी कर ली? जी हाँ दोस्तों, उन्होंने सूर्य कुमार यादव की बराबरी कर ली। तो ये रिकॉर्ड है कि अपने तीन पारियों में, मतलब अपने शुरुआती करियर के तीन पारियों में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड। इसमें अन्य खिलाड़ी भी हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसमें कौन कौन से खिलाड़ी मौजूद हैं। सबसे पहले दीपक हुड्डा, जिन्होंने 172 रन बनाए। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं तिलक वर्मा, जिन्होंने 139 रन बनाए, और उन्हीं का साथ दे रहे हैं सूर्य कुमार यादव 139 रन पे। और चौथे नंबर पे, यानी कि तीसरे नंबर पे हम कह सकते हैं, वो है गौतम गंभीर, 109 रन। देखिए यहां पे मैंने तीसरा और चौथा नंबर इसलिए कहा क्योंकि तीसरे नंबर पे यहां पे हमने सूर्य कुमार यादव को रखा है, क्योंकि अभी करंट में तिलक वर्मा ने ही परफॉर्म करके दिया है। और हम आपको बता दें कि शुरुआती तीन मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ये मुख्य खिलाड़ी थे तीन नंबर पे। और यहां पे देखिए उम्मीद बढ़ जाती है भारतीय फैंस की, क्योंकि एक खिलाड़ी जो एकदम कंसिस्टेंट परफॉर्म करता है तो उससे बहुत सारी उम्मीदें खिलाड़ियों की भी बन जाती है, और साथ ही में उन खिलाड़ियों का भी मनोबल बढ़ता है, क्योंकि भारत में जीते तो हाथ है, हारे तो वाट है, यह कहावत तो हमेशा से चलती आ रही है। तो दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने एक क्लब में भी आ गए हैं। जी हाँ, जैसा कि दूसरे मैच में वो रोहित शर्मा के क्लब में आ गए थे, यंगेस्ट खिलाड़ी का रिकॉर्ड बनाया था उन्होंने, अब यहां पे वो एक ऐसे क्लब में आए हैं जिसमें बड़े बड़े नाम हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम तो विराट कोहली का भी है। तो जानते हैं आखिर वो कौन सा क्लब है। तो ये क्लब है उन खिलाड़ियों का जो अर्धशतक से चूक गए थे और नाबाद रहे थे। पहले नंबर पे गौतम गंभीर, 2012 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए 49 रन्स पे नॉट आउट रहे। दूसरे नंबर पे सुरेश रैना, 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए 49 रन्स पे नॉट आउट रहे। तीसरे नंबर पे विराट कोहली, 2022 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए 49 रन्स पे नॉट आउट रहे। और अब चौथे और आखिरी नंबर पे तिलक वर्मा, 2023 वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलते हुए 49 रन्स पे नॉट आउट रहे। तो दोस्तों यहां पे वो बड़े बड़े नामों के साथ अब आ गए हैं और उन्होंने वो क्लब ज्वाइन कर लिया है। यहां पे जो जो नाम थे उनका वर्ल्ड में नाम है, सिर्फ भारत में ही नहीं। यहां पे अगर हम बात करें विराट कोहली की, तो विराट कोहली के सबसे ज्यादा फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पे, और ये कहीं ना कहीं तिलक वर्मा का भी मनोबल बढ़ाएगा, क्योंकि तिलक वर्मा ने इन तीन मैच में रनों का अंबार लगा दिया। जी हां दोस्तों, तिलक वर्मा फ्यूचर माने जा रहे हैं भारतीय बल्लेबाजी का, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इतना अच्छा प्रदर्शन करके दे रहे हैं। और यहां पे ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने आईपीएल में जैसा परफॉर्म किया, जैसा ताबड़तोड़ खेला, जैसी तूफानी पारियां खेली, सेम वो इंटरनेशनल लेवल पे भी खेल रहे हैं। जी हां, वेस्ट इंडीज में भी उन्होंने कंसिस्टेंट रह के इतने रन बना दिए हैं और ये रिकॉर्ड्स अपने नाम भी किए हैं। अगर हम अन्य खिलाड़ियों की बात करें तो कोई कोई तो आईपीएल में बहुत अच्छा करता है, ऑरेंज कैप जीतता है, पर लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाता इंटरनेशनल्स में। जी हां, आप समझ गए होंगे। अगर आप ये नाम जानते हैं कि मैंने किसका नाम लिया है इनडायरेक्टली, तो आप ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। और साथ ही देखते रहें तूफान स्पोर्ट्स, और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हां इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।